देखिए, जो लोग जॉब वाले होते हैं या बिजनेस वाले होते हैं, तो उनके साथ दिक्कत क्या आ जाती है कि कई बार उनकी गाड़ी जो है वो जो उनका टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है सर्विस कराने का, वो सर्विस इंटरवल से ज़्यादा चल जाती है। मान लीजिए 10,000 पे सर्विस होनी, तो 15,000 चल जाती है, 16,000 चल जाती है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपकी डीजल गाड़ी है स्पेशली, तो उसमें कई तरीके के फ़िल्टर होते हैं, जैसे एयर फिल्टर होता है या केबिन फिल्टर होता है, तो ये सब जो है ज़्यादा ख़राब, मतलब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है गाड़ी के लॉन्ग टर्म पे, गाड़ी के एसी पर, गाड़ी की सर्विस, गाड़ी की परफॉर्मेंस पे जो है असर डालते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो एयर फिल्टर हुआ या केबिन फिल्टर हुआ, इन चीज़ों को आप घर पर ही कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको बस बाज़ार से खरीद के लाना है और ख़ुद ही उसको जो है चेंज कर लेना है। तो बात करें अगर हम एयर फिल्टर की, तो वो आपको जो है बोनट के नीचे मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बोनट ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से बोनट जब आप ओपन करेंगे, तो इसमें यहाँ पर जो है आपको एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये दो लॉक लगे हुए हैं, इन लॉक को आपको खोल लेना है, और इसको जब आप हटाएंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखिए एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी साफ़ लग रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो है हाल ही में सर्विस हुई है, इस वजह से। तो अभी जो एयर फिल्टर है मेरा बिल्कुल क्लीन है, तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, और जो नया फिल्टर आप खरीद के लाएंगे, उसको आपको जो है वापस से लगा देना है। अब इसके लॉक्स को हमने लगा दिया है। तो ये तो हो गई आपके एयर फिल्टर की बात। और अगर आपकी गाड़ी का, अगर आपकी गाड़ी का कूलेंट जो है वो कम हो गया है, तो उसको भी आप टॉपअप कर सकते हैं। अगर पिंक वाला है तो पिंक परचेज कर लीजिए, ग्रीन वाला है तो ग्रीन जो है आप उसमें जो है डाल लीजिए। आप गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, देखते हैं आपको जो है यहाँ पर केबिन फिल्टर आपको कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करता है आपकी गाड़ी में जो स्मेल आती है, या फिर एसी की परफॉर्मेंस जो कम हो जाती है, उसमें एयर फिल्टर का जो केबिन फिल्टर होता है उसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो केबिन फिल्टर आपको जनरली गाड़ियों में ग्लव बॉक्स के नीचे मिल जाता है। आप ग्लव बॉक्स को इस तरीके से ओपन कर लीजिए, ये दोनों यहाँ से आप दबाएंगे, और ये जो केबिन फिल्टर है आपका ये निकल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर जो है डैशबोर्ड का जो ये लिड है ये बाहर आ जाएगी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको ये मिल जाता है केबिन फिल्टर। इसको प्रेस करके यहाँ से ओपन कर लेंगे, और यहाँ से जो है आपको केबिन फिल्टर निकाल लेना है। ये भी क्लीन है, क्योंकि मेरी गाड़ी की हाल ही में सर्विस हुई थी। कुछ थोड़ा बहुत जो है इसमें डर्ट लगा हुआ है, उसको मैं साफ़ कर देता हूँ। और ये जो इस साइड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी साइड से आपको जो है ये वापस इंसर्ट कर देना है। कवर कहाँ है, और इस कवर को वापस लगा देना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आप जो है अपनी गाड़ी में अपडेट कर लेते हैं, तो अगर आप कुछ समय तक सर्विस नहीं भी करा पाते हैं, तो भी आपकी गाड़ी में दिक्कत जो है नहीं आएगी। एयर फिल्टर और इनसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी ऑयल जो है वो इतनी जल्दी शॉर्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो जो है इंडिकेशन आपको देने लगेगी गाड़ी। तो उस चीज़ को आपको देख के और जो है इंजन टॉपअप करा लेना।